Assalamu alaikum, dear candidates. This is Najibullah Kalwar, Inspector Inland Revenue FBR. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी जो सिंध प्रोसेस कमीशन ने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब जो है वो अनाउंस की हैं, उसमें मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स एंड इंग्लिश में जो है वो बहुत सारी पोस्ट जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो पहले क्राइटेरिया होती थी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की, अब वो ख़त्म हो चुकी है। अब सिंपल क्राइटेरिया है जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2024 है उसमें ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं और वो कहाँ पे है उसको देखते हैं हम। जी, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 7/2024 है और ये 25/7/2024 इसमें डेट लिखी हुई है। अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो जॉब यहाँ पे अनाउंस हुई है स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट में, वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बीपीएस 17 की पोस्ट है। और इसमें हम देखते हैं तो मास्टर्स आर इक्विवेलेंट डिग्री 16 ईयर्स एजुकेशन इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स आर इक्विवेलेंट फ्रॉम हेग रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये देखिए, पहले जो है बीएड और एमएड वगैरह जो है वो भी इसमें इंक्लूड होते थे, बीएड सिंपल होती थी, मगर यहाँ पे अब जो है वो नहीं है। और 50% मार्क्स हैं, यानी कि अगर आप 50% आपकी परसेंटेज है तो फिर भी जो है इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। और अगर आप अच्छी तैयारी कर लें, खास करके हमारी एकेडमी ज्वाइन कर लें, तो इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इसमें टोटल पोस्ट जो है वो अनाउंस हुई हैं, जो वो 700 पोस्ट जो है वो अनाउंस हुई हैं। इसमें एज लिमिट हम देख रहे हैं तो 21 से 30 ईयर्स जो है वो एज लिमिट है। और इस एज लिमिट के ऊपर एक अलग से मैं वीडियो भी बनाऊंगा कि इसके अलावा भी एज रिस्ट्रिक्शन है, वो भी जो है हम डिस्कस करेंगे। फिर आगे जो लिखा हुआ है, नोट, इफ एनी कैंडिडेट होल्ड्स इक्विवेलेंट आर सिमिलर क्वालिफिकेशंस बट विद अ डिफरेंट नोमेनक्लेचर एंड इज अप्रूव्ड बाय द हेग पाकिस्तान, प्रेजेंट कंक्रीट एविडेंस एंड कॉन्टेक्ट द एसपीएससी ऑफिस 5 days बिफोर द क्लोजिंग डेट। यानी आपको एसपीएससी में जो है ये जमा करवाना है एक प्रूफ कि आपकी जो डिग्री है बेसिकली वो इन्हीं सब्जेक्ट्स में है जो नीचे कैटेगरीज दी हुई हैं। ठीक है, अगर इस क्लियरली जैसे लिखा होता है कि भाई ये डिग्री जो है वो मैथमेटिक्स में है, केमिस्ट्री में, इस तरह नहीं लिखा हुआ, मगर उसमें आपने सब्जेक्ट ऐसे पढ़े हुए हैं जिसकी वजह से आपकी डिग्री केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या जूलॉजी, बॉटनी, इंग्लिश या फिजिक्स के इक्विवेलेंट है, तो फिर आपको प्रूफ जो है उसका देना पड़ेगा, खास करके जो हायर एजुकेशन कमीशन से अप्रूव्ड होता है वो वाला। फिर हम यहाँ पे नीचे आते हैं तो मुख्तलिफ कैटेगरीज जो हैं यानी मैथमेटिक्स, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, इंग्लिश में, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मुख्तलिफ कोटाज हैं। काफ़ी टाइम से मैं इस स्क्रीन को जो है वो दिखा रहा हूँ, आपने देखा होगा। इसकी जो प्रिपरेशन है, अब उसके ऊपर आते हैं हम कि इसकी प्रिपरेशन जो है आपने किस तरह करनी है। तो इंशाल्लाह जो रिसेंटली जिन्होंने पास की है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में, यानी मैथमेटिक्स में, जूलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, इंग्लिश में, इन सब के ऊपर इंशाल्लाह मैं अलग से एक एक और वीडियो भी बनाऊंगा। और अगर आप हमारे क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो ये डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो की, इसमें मैंने अपना नंबर जो है वो शेयर किया हुआ है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए उस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। कोई और क्यूरी हो तो इस वीडियो की जो कमेंट्स हैं उसमें आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।